टाटा हिटाची जेक्सिस 220 एलसीएम हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। दोस्तों आज की वीडियो में जेक्सिस 220 एलसीएम हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा अंत तक देखिए, सभी तरह का जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इंजन तकनीकी निर्देशक की जानकारी। दोस्तों इसमें दो तरह का इंजन आता है। पहले 6 सिलेंडर इसुजू कंपनी का इंजन आता था, लेकिन अब न्यू वर्जन में 4 सिलेंडर का इंजन आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम 4 सिलेंडर इंजन का जानकारी देने वाले हैं। इसकी इंजन मॉडल मित्सुबिशी S6 के TA61MSTA है और इसकी इंजन टाइप टर्बो चार्जर वाटर कूलर डायरेक्ट इंजेक्टर सिस्टम है और इसमें टर्बो चार्ज एयर कूलर वर्जन सिस्टम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी इंजन रेटेड पावर फुल लोड 163 HP एंड 120 KV 2200 RPM के साथ पावर प्रदान करता है और इसकी वर्क टाइम लोड 155 HP एंड 114 KV 1800 RPM के साथ पावर प्रदान करता है दोस्तों। और इसका मैक्सिमम टॉर्क 655 Nm 1500 RPM के साथ पावर प्रदान करता है, जिसकी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 6.494 लीटर है और इसकी बोर साइज 102 mm है और इसकी स्टॉक 125 mm है और इस इंजन में DI फ्यूल पंप लगा हुआ है, जिसका नोजल इंजेक्टर फायरिंग ऑर्डर 1342 है और इसकी नोजल इंजेक्टर का प्रेशर 3600 PSI के साथ फायरिंग करता है और इस मशीन में फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 400 लीटर का है और इस इंजन का डीजल खपत देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से 1 घंटा में 12 से 14 लीटर डीजल खपत कर लेता है और इस इंजन में लूब ऑयल 15W40 ग्रेड का 25 लीटर लगता है, जिसका ऑयल चेंज करने का सिस्टम 400 से 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट वाटर का कैपेसिटी 23 लीटर का है और इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट 88 एम्पीयर का 2 बैटरी यानी 24 वोल्ट और 176 एम्पीयर का जरूरत लगता है, जिसका सेल्फ स्टार्ट मोटर 136 एम्पीयर का है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। इसका हाइड्रोलिक फ्लो करने के लिए हाइड्रोलिक मेन पंप 2 वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सियल पिस्टन पंप लगा हुआ है, जिसका मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो दोनों पिस्टन पंप मिला के 212 लीटर प्रति मिनट फ्लो करता है और इसका पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है, जिसका हाइड्रोलिक फ्लो 33.6 लीटर प्रति मिनट फ्लो करता है और इसका पूरा पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए पायलट प्रेशर 40 kg एंड 3.9 MPa का जरूरत लगता है और इस मशीन में हाइड्रोलिक कैपेसिटी पूरा सिस्टम 240 लीटर का है और इसका हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 135 लीटर का है और इसका हाइड्रोलिक चेंज करने का सिस्टम 2500 से 3000 घंटा के अंदर चेंज करने का प्रोवाइड करता है कंपनी और इसका हाइड्रोलिक फिल्टर एवं पायलट फिल्टर 400 से 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। रिलीफ वाल्व सिस्टम की जानकारी। इसका बूम सिलेंडर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 388 kg एंड 38 MPa जरूरत लगता है और इसका आर्म सिलेंडर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 350 kg एंड 34.3 MPa लगता है और इसका बॉकेट सिलेंडर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 350 kg एंड 34.3 MPa का प्रेशर जरूरत लगता है दोस्तों और इस मशीन का फुल पावर बूस्ट प्रेशर 388 kg एंड 38 MPa जरूरत लगता है और इस मशीन का वर्किंग सिस्टम देखा जाए तो मिट्टी लोडिंग कम से कम 1 घंटा में 15 से 20 हाइबा लोडिंग कर सकता है। अब स्विंग सर्किट का जानकारी। स्विंग सर्किट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका स्विंग सर्किट ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 310 kg एंड 30.4 MPa का जरूरत लगता है और इसका स्विंग स्पीड देखा जाए तो 13 राउंड प्रति मिनट चक्कर लगा सकता है और इसका स्विंग टॉर्क 60.4 Nm एंड 6200 kg है और इसका स्विंग मोटर में गियर ऑयल का कैपेसिटी 6.2 लीटर है, जिसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है और इस ऑयल को कम से कम 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब ट्रैक मोटर और पूरा ट्रैक साइड का जानकारी। रोलर चेन प्लेट एवं ट्रैक डिवाइस मोटर एक साइड का जानकारी दे रहा हूँ। दोनों साइड सेम है दोस्तों। ऊपर रोलर इसमें 2 पीस लगा हुआ है और लोअर रोलर इसमें 8 पीस लगा हुआ है, जेक्सिस 220 LCM स्टैंडर्ड साइज और इसमें ट्रैक शॉप प्लेट 49 पीस लगा हुआ है, जेक्सिस 220 LCM स्टैंडर्ड साइज। इसका ट्रैक शॉप प्लेट का साइज 600 mm है और इसका ट्रैक आर्म लेंथ 2.4 mm है। इस ट्रैक में ट्रैक गार्ड 2 पीस लगा हुआ है, जेक्सिस 220 LCM स्टैंडर्ड साइज। इसका ट्रैक मोटर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 250 kg एंड 34.3 MPa का जरूरत लगता है और इसका ट्रेवल स्पीड देखा जाए तो हाई स्पीड मोड में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा मार्चिंग कर सकता है और इसका लो स्पीड मोड में देखा जाए तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा मार्चिंग कर सकता है और इसका मैक्सिमम ट्रैक्शन फोर्स 184 kg एंड 18800 kg का शक्ति है और इस ट्रैक डिवाइस में ऑयल का कैपेसिटी 6.8 लीटर है, जिसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस ऑयल को कम से कम 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों इस मशीन का कुल ऑपरेटिंग वेट जेक्सिस 220 LCM 21700 kg है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के चैनल को विजिट करना ना भूले, क्योंकि ऐसा जानकारी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों।